बीमा कंपनियों के बीच इन दिनों सिंगल प्रीमियम वाली पॉलिसी उतारने की होड़ मची हुई है। एचडीएफसी, स्टैंडर्ड लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, बजाज आलियांस और आईएनजी वैश्य जैसी जीवन बीमा कंपनियों ने हाल ही में इस तरह की पॉलिसी उतारी भी है। सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में कई अच्छाइयां हैं तो कुछ कमियां भी हैं। इंश्योरेंस कंपनियों को अब सिंगल प्रीमियम वाले प्रोडक्ट में ज्यादा मुनाफा नजर आ रहा है। दो महीने में इंश्योरेंस कंपनियां सिंगल प्रीमियम वाले करीब 10 प्रोडक्ट लॉन्च कर चुकी हैं, क्योंकि बाजार में इन प्रोडक्ट्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। वजह यह है कि सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में ये याद नहीं रखना पड़ता कि अगला प्रीमियम कब चुकाना है। लैप्स होने का जोखिम भी नहीं होता। इंश्योरेंस कंपनियां जो फीस लेती हैं वो भी कम होती है, जबकि कंपनियों को फायदा यह है कि उन्हें प्रीमियम की सारी रकम एक साथ मिल जाती है, जिससे उन्हें मैच्योरिटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने में आसानी होती है। सिंगल प्रीमियम में टॉप लाइन काफी जल्दी से आ जाता है, तो इसलिए शायद कंपनी की रुचि होगी कि सिंगल प्रीमियम लॉन्च करें। दूसरी बात जो है, सिंगल प्रीमियम में आपको लैप्सेशन का डर नहीं रहता है। लेकिन ऐसी पॉलिसीज में पैसा लगाने से पहले इसकी कमियों पर भी एक बार नजर डालना जरूरी है। सिंगल प्रीमियम होने की वजह से एक बार में ही बड़ी रकम चुकानी होती है। दूसरे, प्रीमियम का बड़ा हिस्सा एक बार में ही शेयर बाजार में चला जाता है। अगर बाजार गिरा तो निवेशकों को नुकसान हो सकता है। इस पॉलिसी की सबसे बड़ी खामी ये है कि इसमें बार बार स्विच करने की सुविधा नहीं है, मतलब निवेशक बाजार की चाल का फायदा नहीं उठा सकते। एक्सपर्ट्स की राय है कि लोगों को अपनी जरूरत के मुताबिक ही पॉलिसी लेनी चाहिए। कंपनी का भी फायदा हो रहा है, निवेशक का भी फायदा हो रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। पर निवेशक को ये देखना चाहिए हमेशा कि मैं जो एक रुपया मेरा लगाता हूँ उसमें मुझे सबसे ज्यादा फायदा कहाँ हो रहा है। इंश्योरेंस कंपनियों का प्रीमियम कलेक्शन बढ़ाने में ऐसे प्रोडक्ट काफी मददगार साबित हो रहे हैं। बीते साल अप्रैल जून तिमाही में बीमा कंपनियों ने सिंगल प्रीमियम वाले प्रोडक्ट बेचकर करीब 3,000 करोड़ रुपए जुटाए थे, जबकि इस साल पहली तिमाही में ही ये आंकड़ा 8,500 करोड़ रुपए को पार कर चुका है। अमोल देठे, जी बिजनेस, मुंबई। केंद्र सरकार के दो दिग्गज मंत्रियों में बजट को लेकर खींचतान शुरू हो गई।